हल्द्वानी में आज चोरगलिया रोड के महिला इंटर कॉलेज में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब और आईजी कुमाऊं अजय रौतेला रहे। इस मौके पर आईजी ने कहा कि अल्पसंख्यक दिवस का मुख्य रूप से उद्देश्य अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निदान करना और उन्हें सामाजिक अधिकारों के लिए जागरूक करना है। इस दौरान समाज में विशेष कार्य करने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध ने बताया कि सरकार अल्पसंख्यकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। साथ ही आईजी अजय रौतेला ने अल्पसंख्यक आयोग की इस पहल की भी सराहना की है। देखिए, ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है और पिछले साल जब 2019 में ये देहरादून में मनाया जा रहा था तो हमने वादा करा था कुछ चीज़ों को लेकर के कि हम हल्द्वानी में और मुस्लिम क्षेत्रों में जो उत्तराखंड के जितने भी मुस्लिम क्षेत्र हैं या अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं उनमें हम योजनाओं को 100% लागू करेंगे और जो पैसा पिछली सरकारों में 10% अल्पसंख्यक क्षेत्रों में खर्च होता था और 90% लैप्स होता था, आज हम 70% और 80% पैसे को खर्च कर पाए हैं, लाभार्थियों को लाभ पहुँचा पाए हैं। अब हमारा जो दूसरा चरण होगा उन 2019 में हम इस आयोग के माध्यम से जब अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बना रहे होंगे तो हमारा सोचना है कि इस क्षेत्र को हम स्वास्थ्य के क्षेत्रों से एक हॉस्पिटल बना करके और इसके अलावा जो एक कॉलेज है हम चाहते हैं बीटेक कॉलेज के लिए जो फ्री में शिक्षा और हायर एजुकेशन के लिए जो हम कोचिंग स्कूल बनाना चाहते हैं उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और इन क्षेत्रों को हमने जोड़ा है। आज जो हमने ऐलान किया है 110 रुपये में हमारे अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन नहीं हो पाते थे, 10,000 रुपये लगते थे, आज हम उस घोषणा को किया है हमने, 110 रुपये में गरीब आदमियों का पानी का कनेक्शन होगा। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।